सबसे पहले मैं यहाँ पे चाशनी बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक टोप ले ली हूँ और एक टोप में एक कटोरी चीनी, एक कटोरी पानी, ये सभी को मैं इसमें डाल दी हूँ। अब मैं गैस को चालू कर दी हूँ और ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तरह से उबाल भी आने लगा है चाशनी में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अभी चाशनी बना तो नहीं है, अभी ये पतला है, तो थोड़ा सा ना जैसे हनी होता है हनी की तरह गाढ़ा करना है इसको। और याद रखिएगा कि जमने ना पाए, ऐसा चाशनी नहीं बनाना है। अगर थोड़ा सा जमने लगे, चीनी जम रहा है, तो इसमें एक दो बूंद आप नींबू का रस डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चाशनी बन के तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले ली हूँ गेहूँ का आटा और उसके बाद यहाँ पे मेल्टेड घी है। आप तेल भी ले सकते हैं और डालडा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे घी है, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा खस्ता बनता है, अच्छा बनता है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे तेल नहीं ली हूँ। आप चाहे तो तेल ले सकते हैं। और इसमें मैं मोयन के लिए थोड़ा सा घी को डाल दी हूँ और अभी मैं थोड़ा सा ही डाली हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर ले लूँगी। और ये देखिए इसी तरह का मोयन होना चाहिए। तो ये अच्छी तरह से ये हो गया है और अभी मुझे घी तेल कुछ भी नहीं चाहिए। और अब मैं इसमें ले लूँगी 2 से 3 चम्मच, मैं ले ली हूँ सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डालिए, नहीं है तो मत डालिए। उसके बाद इसको भी मैं इस तरह से मिला दे रही हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूंथूंगी। जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह का होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए ना बहुत लूज होना चाहिए, ऐसा नहीं, जैसे रोटी के लिए करते हैं वैसे ही आपको आटे को गूंथ लेना है। और ये देखिए अच्छी तरह से आटे को गूंथ के तैयार कर ली हूँ और इसको एक साइड रख दूंगी। उसके बाद ये जो बचा हुआ घी है ना, इसमें मैं थोड़ा सा आटा डालूंगी, इसको साटा बनाऊंगी। आप चाहे तो मैदे का साटा बना सकते हैं, लेकिन मैं पूरा आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं साटा भी आटे का ही बनाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा आटा मैं इसमें डाली हूँ और इसको इस तरह से फेंट लेना है। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है और इसको भी एक साइड रख देना है। उसके बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लूंगी और इसको इस तरह से बेल लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के तो ये देखिए एक रोटी में बेल दी हूँ। मैं आपको दिखा दी हूँ कि इतना मोटा रोटी होना चाहिए। तो ये रोटी में ना इस तरह का रोटी 7 रोटी में बेल के तैयार करूँगी। तो 7 रोटी बन के बेल करके मैं तैयार कर दी हूँ। उसके बाद एक रोटी ले करके इसके ऊपर ये जो साटा बना करके रखी थी इसको इस तरह से लगाना है। चाहे हाथ से लगाइए, चाहे चम्मच से लगाइए, चाहे आप ब्रश से लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए दूसरी रोटी को इस पे रखूंगी और इसी तरह से 7 रोटी को मैं इसी तरह से रखूंगी। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको बाद में।
ये देखिए सातों रोटी एक साथ में मैं इसको कर दी हूँ, चिपका दी हूँ। उसके बाद इस तरह से लेना है और इसको ना इस तरह से गोला कर लेना है, रोल बना लेना है, टाइट रोल बना लेना है। हाँ इसको इस तरह से गोला करते रहना है। और ये देखिए रोटी बड़ा हो गया है, तो मैं इसको ना बीच से काट लूंगी, थोड़ा सा छोटा हो जाए। और अभी इसको फिर से मैं इस तरह से करूंगी। और अब इस तरह से कट लगा देना है। ये देखिए इस तरह का बना करके मैं तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे हल्का सा इसको ना प्रेस कर लेना, मतलब कि दबा देना, बहुत हल्की आंच से दबाना है। या तो आप इसको इस तरह से ही कर सकते हैं, या तो आप इसको हल्के से दबा लीजिए जैसे मैं दबाती हूँ। और यहाँ पे मैं तेल रख दी थी पहले से गर्म होने के लिए मीडियम आंच पे, और बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है। और गैस भी धीमा रहेगा, तेल भी हल्का गर्म रहेगा। उसके बाद इसको इसमें डाल देना है और मीडियम आंच पे इसको उलट पलट के आपको फ्राई करना है, लेकिन हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर मतलब अंदर से कच्चा हो रह जाएगा। उसके बाद ये देखिए अभी मैं इस तरह से इसको पलट रही हूँ, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब उसके बाद इसको निकाल लेना है। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और सीधा अभी इसको चाशनी में डाल देना है। चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये हनी की तरह ये हो गया है और जमा भी नहीं है चीनी, इसी तरह का चाशनी चाहिए। और इसको इसमें हम डाल देना है और इसको ना 5 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। इसको ढकना नहीं है, ढकेंगे तो ये थोड़ा मुलायम हो जाएगा, ढकना नहीं है। इसको इसी तरह से ना खुला रखना है, इसको उलट पलट देंगे 5 मिनट के लिए, चाशनी में छोड़ देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से अंदर चाशनी इसके अंदर चला जाएगा, उसके बाद ही निकालना है। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बना है। और आप ना एक बार जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा बना करके और खा करके। और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा।